हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ नीतू सती। तो आज मैं आपको इतने पैसे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम फाउंडेशन खरीदते हैं तो महंगे महंगे फाउंडेशन 1000-2000 से कम के नहीं आते। तो किस तरीके से कॉम्पैक्ट को आप फाउंडेशन में चेंज कर सकते हैं, हैवी कवरेज फाउंडेशन में, वो आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले फेस पर मैंने टोनर लगा लिया है। उसके बाद मैंने मेबलिन फिटमी का एक कॉम्पैक्ट लिया है। ओनली 150 रुपीज़ का आपको मिलता है। इसको इस तरीके से आपको स्क्रैच कर लेना है। तो मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ तो मैं उतनी ही क्वांटिटी में लूँगी। तो स्क्रैच करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट ले लिया है। तो इसके अंदर मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने स्क्रैच करके फेस पैलेट में से हाइलाइटर ऐड किया है। देन मैंने इसमें प्राइमर ऐड किया है, हाइड्रेटिंग प्राइमर। और इसको प्रॉपर फाउंडेशन का लुक देने के लिए इसमें मैंने 925 लैक्मे की सीसी क्रीम ऐड की है। ये बन चुका है हमारा हाई कवरेज फाउंडेशन। अब प्रॉपर फेस पर मैं इसे लगाकर दिखाऊंगी आपको कि ये कितनी कितनी बढ़िया वाली कवरेज देता है। तो पूरे फेस पर मैंने इसे इवनली लगा लिया है और एक ओवल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इवनली ब्लेंड हो रहा है, कोई पैचेस नहीं छोड़ रहा और साथ ही साथ कवरेज भी बहुत अच्छी खासी दे रहा है। पाउडर की कवरेज नहीं है ये। उसके बाद एक लेयर मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन और बचा था, उसे भी कम्प्लीटली लगा लिया है। क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड की थी तो अलग से मैंने प्राइमर कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र प्राइमर कुछ नहीं, ये सेट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने फेस को उसी कॉम्पैक्ट की हेल्प से अगेन सेट कर लिया है। तो प्रॉपरली अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं भी है तो कॉम्पैक्ट को इस तरीके से एज अ फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेस बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं बताऊँगी बजट वाले प्रोडक्ट, जो एक ही पैलेट में से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मास्क की मैंने फेस पैलेट का यूज़ किया है, कॉन्टोर का शेड मैंने यूज़ किया है, दो कॉन्टोर के शेड मिल जाते हैं इसमें। तो इवनली अपने फेस पर लगाने के बाद इसी में से ब्लशर के 4 शेड आपको मिलते हैं। बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अफोर्डेबल है। तो मतलब यहाँ आपके 1000 रुपये से ज़्यादा ही बचा रही हूँ मैं। तो इसी पैलेट में से मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया है। देन मैं हाइलाइटर अप्लाई करने से पहले स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसी पैलेट में से हाइलाइटर के 2 शेड आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मेकअप फिक्सर लगाया उसके बाद हाइलाइटर जो है दुगनी से तिगनी शाइन देने लगा। और इसमें चंकी ग्लिटर्स कुछ नहीं है, ये बहुत बजट फ्रेंडली है, आपकी बहुत सारे पैसे सेव कर देता है। तो ये पैलेट आप ज़रूर खरीदिए अगर बिगनर है, नया नया मेकअप करना सीख रहे हैं। तो इसी में से जो कॉन्टोर का शेड था मैंने उसे एज अ आई शेडो यूज़ किया है। आप इस शेड को एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, परफेक्टली ट्रांजिशन सा इफेक्ट दे देता है ये। और उसके बाद मैंने इसी शेड में से ये वाला हाइलाइटर पिक किया है, उसे अपने टियर डक के पास इस तरीके से अप्लाई कर लिया। आई मेकअप इतना ही था। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी की आईब्रो फिलर का यूज़ किया है। पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है। तो सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो आईब्रोज की गैप्स को मैंने फिल कर लिया है। अब हमेशा इस पेंसिल को थोड़ा सा शार्प करके अगर रखेंगे तो आईब्रोज बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फिल होती है। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज कितनी नेचुरल तरीके से फिल हो रही है। तो आईब्रोज की गैप्स को यहाँ मैंने फिल कर लिया है। और उसके बाद मैंने लाइनर के लिए मियोन की काजल पेंसिल का यूज़ किया है। रफली मैं अपनी आईलेट पर इसे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद एक स्मजर ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का स्मज कर दूँगी, जो आजकल स्मोकी आई मेकअप चल रहा है उसके हिसाब से। फिर अगेन मैंने काजल लगा लिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट सा स्मोकी सा आई मेकअप मेरा क्रिएट हो चुका है, और जिसमें मैंने कॉन्टोर का एज आई शेडो यूज़ किया था। तो अलग से आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप अपने पैसों को भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एज अ लाइनर लगाया, फिर स्मज किया और एक मेरा परफेक्ट आई मेकअप तैयार हो चुका है। सेम काजल को मैंने अपनी हाफ आउटर लाइन पर अप्लाई किया, मस्कारा का एक अच्छा सा कोट लगाया। तो यहाँ पर मैंने मियोन का ही मस्कारा यूज़ किया है, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और एक बजट में पैसा बचाने वाली आपको लिप पैलेट में बताती हूँ, ये एज अ ब्लशर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक के बहुत सारे शेड बना सकते हैं। तो यहाँ टोटल मैं 4 से 5 हज़ार रुपये आपके बचा रही हूँ। तो थैंक यू बोलना मुझे और इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखना। तो लिपस्टिक पे मैंने जो मुझे इस मेकअप के लिए परफेक्ट लिप शेड लगा वो मैंने लगा लिया है। और इसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस लगाया है इस मेकअप को एक और अच्छा सा लुक देने के लिए।
तो लिप ग्लॉस का एक परफेक्ट सा मैंने कोट लगा लिया है, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये इज द फाइनल लुक, सुपर ग्लॉसी परफेक्ट मेकअप लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि खाली मैंने कॉम्पैक्ट को यूज़ किया था। तो इस तरीके से आप भी अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। बाय बाय।